सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्पेशली सभी लोगों को थैंक यू करने के लिए बनाई है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे श्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे इंडिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, और मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, और मैं लकी मानता हूँ कि हमारे मोदी जी ने हमारे लिए इतना अच्छा डिसीजन दिया। अब मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारी जो एडवोकेट ममता शर्मा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक बात रखी, उनको भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा। तीसरे नंबर पे मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे सेकंड लॉयर मतलब एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव मैम को, उन्होंने भी बच्चों के लिए बहुत हेल्प करी। उन्होंने भी बच्चों को टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहे, उसके बाद में बच्चों को टाइम टाइम पे हेल्प करते रहे। तो एडवोकेट ममता मैम को, एडवोकेट अनुभा मैम को मैं थैंक यू करना चाहूँगा। अब अपने आते हैं यूट्यूबर्स पे। काफ़ी सारे यूट्यूबर बहुत टाइम से लाइव आते रहे, बच्चों की हेल्प करते रहे, बच्चों को मोटिवेट करते रहे, तो मेरी ड्यूटी है कि उनको भी थैंक यू करना। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा अनुराग सर को। अनुराग सर ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और कई लोगों ने उनका नाम खराब करने की कोशिश करी, कई बार उनसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, लेकिन एट लास्ट हम सब जीत गए। तो थैंक यू अनुराग सर। उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूँगा विशाल सर को। विशाल सर भी बहुत बच्चों की हेल्प करी, बच्चों को टाइम टाइम पे मोटिवेट किया, बच्चों को गलत न्यूज़ नहीं दी कभी, बच्चों को प्रॉपरली बताया कि ये न्यूज़ सही है, ये न्यूज़ सही है। तो मैं सेकंड नंबर पे विशाल सर को भी थैंक यू करना चाहूँगा। अब अपने आते हैं आज के बर्थडे बॉय पे, मतलब फास्टेस्ट एजुकेशन सर इक्वल टू अविनाश। मैं अविनाश सर को भी थैंक यू करना चाहूँगा, उन्होंने भी बच्चों को बहुत हेल्प दी और स्पेशली बच्चों को मोटिवेट किया, साथ में बच्चों को पढ़ाई भी करवाई, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई भी करते रहे, साथ में उनको मोटिवेट भी करते रहे। तो थैंक यू अविनाश सर। उसके बाद में मैं कुछ मोटिवेशन स्पीकर को भी थैंक यू करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर महिंद्रा जी, उन्होंने भी बच्चों को बहुत हेल्प करी। इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग जो इस कैंपेन में जुड़े थे, उन सभी को मैं हाथ जोड़ के थैंक यू करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। आप सभी लोगों ने जितना सपोर्ट दिया, इसी तरीके से हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है दिल्ली के, महाराष्ट्र के, इनको भी थैंक यू करना चाहूँगा, इन्होंने भी टाइम टू टाइम बच्चों को सपोर्ट किया। अपोजिशन को भी थैंक यू करना चाहूँगा, सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने बच्चों की इस माहौल में हेल्प की और एग्ज़ाम कैंसिल में सपोर्ट दिखाया। और एट लास्ट हमारे हीरो, हम सभी के हीरो, हम सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने वेट करते रहे, वो लोग अपने अंदर पेशेंस रखा, ज़्यादा गर्म नहीं हुए, टेंशन ज़्यादा नहीं ली। बस उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू करना चाहूँगा जो कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर रहे थे, वीडियोस को शेयर कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, उन सभी को थैंक यू करना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो एट लास्ट मैं अपने इंडिया को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे प्राइम मिनिस्टर दिए, चीफ मिनिस्टर जैसे चीफ मिनिस्टर दिए, और हमें अच्छा डिसीजन दिया। तो सभी स्टूडेंट्स, ये भी अपील करूँगा कि आप लोग भी थैंक यू लिखो कमेंट सेक्शन में और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सभी को थैंक यू कर रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने, कई लोगों का नाम लेना भूल गया हूँगा उसके लिए सॉरी, लेकिन सभी लोगों को ए टू जेड, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे वो पेरेंट्स यूनियन हो, सभी को थैंक यू करूँगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा, इतनी बड़ी लड़ाई जीतने में मदद करी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।